वेलकम टू सीनियर ऑनलाइन स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलिए, जिससे वीडियो का हर नोटिफिकेशन क्या क्विक मिले। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांड के बारे में जान चुके थे, और ब्रह्मांड से रिलेटेड एक दो सवाल बाकी था जो हम लोग क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे सौर मंडल के अंतर्गत आप लोग को दे दिया गया है। सौर मंडल और ब्रह्मांड दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन सिलेबस के अनुसार उसे क्या कर दिया गया है, विभाजित कर दिया गया। जो चीज़ ब्रह्मांड में है वो भी चीज़ तो सौर मंडल में भी है ना। ब्रह्मांड सौर मंडल दोनों एक ही है, लेकिन विभाजित कर दिया गया है। ब्रह्मांड में भी वही चीज़ है और सौर मंडल में भी वही चीज़ है, ठीक है। तो चलिए, और ध्यान रखिए आप लोगों का इंडियन नेवी MR में यहाँ से भी क्या बनता है, एक से दो नंबर का यहाँ से सवाल पूछा जाता है सौर मंडल से, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा एकदम अच्छा से क्या करना है, प्रिपरेशन करना, जिससे आपको एग्ज़ाम में एक या दो नंबर आपसे छूटे नहीं, पूरा का पूरा क्या करें सही सही बना के आए और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके और क्या करें जल्द से जल्द अपना सिलेक्शन करवा लें, ठीक है। जितना जल्दी आप लोग सिलेक्शन करवा लीजिए उतना बेटर रहेगा, ठीक है। तो चलिए कोशिश कीजिए कि हम जो फर्स्ट बार में एग्ज़ाम दे रहे हैं इसी बार में क्या हो, मेरा सिलेक्शन हो जाए। हम लोग तो एकदम अच्छा से सिलेबस के अनुसार आप लोग को प्रिपरेशन करवाते हैं, जिससे आप लोग को किसी भी प्रकार का क्या हो दिक्कत ना हो, उस तरह से हम लोग प्रिपरेशन करवा रहे हैं, ठीक है। अगर बात रही कि आप लोग को वीडियो आने में थोड़ा लेट हो रही है, तो उनके लिए थोड़ा सा सोचिए तो मेरी भी गलती है और आप लोगों की भी गलती है। मेरे पास वीडियो क्या है उपलब्ध है, लेकिन हम अपलोड नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति का क्या आता है रिस्पॉन्स नहीं आता है। अगर आप लोग के द्वारा वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा तो कोशिश करेंगे हम लोग जल्द से जल्द आप लोग का सिलेबस क्या करें कंप्लीट कर दें, उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न यानी ऑब्जेक्टिव का पूरा प्रिपरेशन कर पाएंगे, जितना पढ़ाया गया और कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल का क्या करेंगे लाइव में ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करवाएंगे, ठीक है ना। जिससे क्या होगा आप लोग क्लास में क्या किए हैं, क्या समझे हैं, क्या नहीं समझे हैं, वो क्या होगा लाइव में आप लोग का पूरा डाउट क्या हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए, तो चलिए आज पढ़ते हैं हम लोग सौर मंडल के बारे में पढ़ते हैं, सौर मंडल है क्या। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह की संख्या कितनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 7, ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों की संख्या कितनी है, तो चलिए तो 1 का आंसर होगा ऑप्शन सी 8। 8 ग्रह हैं यानी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह है बुध, यानी क्वेश्चन 2 का आंसर होगा ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी मंगल, ऑप्शन डी शनि, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 2 का आंसर होगा ऑप्शन ए बुध, सबसे छोटा ग्रह है बुध। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, यानी 3। किसका उपग्रह नहीं है, यानी इन सभी में से किनका उपग्रह नहीं है। तो चलिए देखते हैं 3 का आंसर होगा ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी शुक्र, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो 3 का आंसर होगा ऑप्शन सी यानी दोनों, ठीक है। यानी बुध एवं शुक्र का क्या है कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है, यानी उनका कोई उपग्रह नहीं है सौर मंडल में। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4।
कौन सा ग्रह 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूरी करता है, यानी 88 दिनों में ही सूर्य का परिक्रमा क्या करता है, पूर्ण कर देता है। तो चलिए देखते हैं, 4 का आंसर होगा ए यूरेनस, ऑप्शन बी बुध, ऑप्शन सी मंगल और ऑप्शन डी शुक्र। तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन बी, बुध जो है वो क्या करता है 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन 5 देखते हैं हम लोग, सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है। चलिए क्वेश्चन 5 का आंसर देखते हैं, ए बुध, बी शनि, सी शुक्र, डी मंगल। ठीक है, सबसे अधिक चमकीला ग्रह है, तो चलिए क्वेश्चन 5 का आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी जो है शुक्र जो है सबसे अधिक चमकीला ग्रह है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस ग्रह को भोर एवं सांझ का तारा कहा जाता है? ठीक है, सांझ मतलब शाम का समय। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी शनि, ऑप्शन सी नेपच्यून, ऑप्शन डी यूरेनस। ठीक है, वहाँ 7 लिखा गया है, ये नहीं होगा, यहाँ डी होगा। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, 6 का आंसर होगा, 6 का आंसर होगा ऑप्शन ए शुक्र जो है सांझ एवं भोर का क्या कहलाता है, तारा कहलाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा 225 दिनों में पूरा करता है? ठीक है, यानी सूर्य का परिक्रमा यानी सूर्य का पूरा चक्कर 225 दिनों में क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। तो चलिए 7 का आंसर देखते हैं, ए बुध, बी शनि, सी यूरेनस, डी शुक्र। ठीक है, 225 दिनों में कौन सा ग्रह पूर्ण करता है, 7 का आंसर होगा ऑप्शन डी, डी जो है 225 दिनों में सूर्य का परिक्रमा पूर्ण कर लेता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। 5वां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, यानी सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर, ए पृथ्वी, बी बृहस्पति, सी शुक्र, डी बुध। ठीक है, तो चलिए 8 का आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, पृथ्वी जो है क्या है 5वां सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है, नीला ग्रह कहा जाता है, ये सवाल रिपीटेड है। ठीक है, प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ सवाल है, यानी 2015 में पूछा गया सवाल है, सौरमंडल से आप लोगों को 1 नंबर में पूछा जाएगा, आप लोग ध्यान से ठीक है देखिए। तो चलिए देखते हैं, नीला सबसे बड़ा ग्रह, चलिए 9 का आंसर देखते हैं, ए मंगल, बी पृथ्वी, सी यूरेनस, डी नेपच्यून। अब देखिए समझने की बात है, ऐसे 9 का आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पृथ्वी जो है एक नीला ग्रह है। ठीक है, बस समझने की बात है, मंगल तो नहीं होगा, यूरेनस नहीं होगा और नेपच्यून नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी ग्रह के समान कौन सा ग्रह है, यानी आकार एवं बनावट जैसा पृथ्वी का है उसी की तरह कौन सा ग्रह दिखाई देता है। ठीक है, ये सवाल एसएसआर में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, एसएसआर में पूछा गया था,
ठीक है, आप लोग के लिए ये नहीं है कि MR में ही पूछेगा, ठीक है, SSR में पूछ सकता है, ठीक है, और AA में भी पूछ सकता है, ठीक है। आप लोग जो व्यक्ति हो सकता है, कोई SSR का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, कोई MR का भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है, सवाल जो है आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं 10 का आंसर, देखते हैं क्या होगा। चलिए ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी बुध, ऑप्शन डी शुक्र, ठीक है। तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन डी शुक्र। आकार एवं बनावट की दृष्टि से शुक्र जो है पृथ्वी की तरह क्या लगता है, दिखाई पड़ता है, एकदम एक समान है, ठीक है। यहाँ तक कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर किसी प्रकार का दिक्कत हो समझने में तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को जोड़ने का प्रयास कीजिए। इसी तरह लगातार क्लास चलता रहेगा और आप लोगों को ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन करवाया जाएगा, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार की क्या हो दिक्कत ना हो, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी सूर्य की कितने दिनों में परिक्रमा पूर्ण करता है, पृथ्वी जो है सूर्य की कितने दिनों में परिक्रमा पूर्ण करता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर कितना दिनों में पूर्ण कर लेता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आंसर 11 का। ए 368 दिनों में, बी 367 दिनों में, सी 365 दिनों में, ठीक है, और डी 366 दिनों में, ठीक है। तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन सी 365 दिनों में क्या करता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूर्ण कर लेता है, ठीक है। किन्हीं को कोई दिक्कत डाउट हो तो बोल सकते हैं, 365 दिनों में पृथ्वी सूर्य का चक्कर पूर्ण करता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, आप लोग सभी जान रहे होंगे किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, कोई जानते भी होंगे कोई नहीं भी जानते होंगे, ठीक है। चंद्रयान जब भेजा गया था किस ग्रह पे भेजा गया था, मंगल ग्रह पे भेजा गया था ना, और वो कैसा दिखाई पड़ता है आप लोग को भी पता होगा, है कि जीके में बहुत ज़्यादा क्या हुआ था उस टाइम, वायरल किया गया था, ठीक है। अगर जिन किन्हीं को पता होगा वो कमेंट कर दीजिएगा, अगर जिनको नहीं भी पता होगा कोई दिक्कत नहीं है, चलिए हम बता देते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग 12 का आंसर होगा, देखते हैं, ए मंगल, बी पृथ्वी, सी, यहाँ सी होगा, ठीक है, चिंता मत कीजिएगा, सी यूरेनस, डी नेपच्यून, ठीक है। तो चलिए 12 का आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगल जो है लाल ग्रह कहा जाता है, ठीक है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है, हो सकता है पूछ भी सकता है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूर्ण करती है, ठीक है, यानी मंगल ग्रह सूर्य का परिक्रमा यानी चक्कर कितने दिनों में पूर्ण कर लेता है, ठीक है। तो चलिए 13 का आंसर देखते हैं, ए 366 दिनों में, बी 687 दिनों में, सी 365 दिनों में, डी 520 दिनों में, ठीक है। तो चलिए 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी 687 दिनों में क्या करता है, मंगल जो है सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, मंगल ग्रह के दो उपग्रह कौन से हैं, ठीक है, मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग तो ऑप्शन से पकड़ लीजिएगा कौन होंगे आंसर, ठीक है, ऐसे चलिए जान लेते हैं। तो चलिए 14 का आंसर होगा ए फोबोस, बी डीमोस, सी दोनों, डी कोई नहीं, ठीक है। तो 14 का आंसर होगा सी, ये दोनों क्या होते हैं, मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, कौन,
फोबोस और डीमोस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। चलिए 50, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो चलिए 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बृहस्पति। ठीक है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, कन्फ्यूजन मत कीजिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 15 का आंसर देखते हैं ऑप्शन ए यूरेनस, ऑप्शन बी नेपच्यून, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बृहस्पति। ठीक है, 15 का आंसर होगा ऑप्शन डी बृहस्पति। ठीक है, यानी बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। किस ग्रह के 67 उपग्रह हैं? ठीक है, किस ग्रह के 67 उपग्रह हैं? तो चलिए देखते हैं 16 का आंसर, ए बृहस्पति, बी यूरेनस, सी दोनों, डी नेपच्यून। तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन ए, बृहस्पति के कितने ग्रह हैं? उपग्रह 67 हैं। ठीक है, बृहस्पति के 67 उपग्रह हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। चलिए आ गए हम लोग 17, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, पहला क्या था? बृहस्पति, दूसरा कौन सा है वो जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए 17 का आंसर देखते हैं, ए यूरेनस, बी वरुण, सी शनि, डी अरुण। ठीक है, तो चलिए 70 का आंसर होगा ऑप्शन सी, शनि जो है क्या है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला था बृहस्पति, दूसरा है शनि, और पांचवा क्या था? पृथ्वी। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, आगे और देखिए, और जानना पड़ेगा। ऐसे 1 से लेके 5 तक ग्रह, ठीक है, कौन बड़े हैं कौन छोटे हैं वो जानना वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 80, सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है, तो चलिए आंसर देखते हैं 18 का, ए यूरेनस, बी वरुण, सी मंगल, डी अरुण। ठीक है, तो 18 का आंसर होगा ऑप्शन बी, वरुण जो है सौरमंडल का चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, ठीक है, चौथा हो गया वरुण, और पांचवा हो गया पृथ्वी, और तीसरा कौन है वो चलिए हो सकता है कहीं आ जाए इसमें भी, या नहीं तो नेक्स्ट डे आप लोग को क्या किया जाएगा बता दिया जाएगा, चिंता मत कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग, 19, सौरमंडल का सातवां ग्रह है। सौरमंडल का सातवां सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? आप देखिए 3 नहीं आया, क्या गया? 7 आ गया। तो चलिए 90 का आंसर देखते हैं, ए बुध, बी वरुण, सी यूरेनस, डी अरुण। ठीक है, तो चलिए 90 का आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुण जो है सौरमंडल का सातवां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, ऑप्शन डी, अरुण जो है सौरमंडल का सातवां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ये सवाल MR में भी पूछा गया है, SSR में भी पूछा गया और AA में भी पूछा गया। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए 20। ठीक है, इसको याद रख लीजिए, ये पूछा हुआ सवाल है, MR में भी आया हुआ है, SSR में भी आया हुआ है और AA में भी आया हुआ है। ठीक है, तीनों में ये सवाल पूछा हुआ गया है। ठीक है, लेकिन तीनों में अलग अलग ईयर में पूछा गया है। ठीक है, उतना टाइम नहीं है, अब MR का अलग ईयर है और SSR का अलग ईयर है और AA का अलग ईयर है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
है, तो चलिए ये सवाल साइंस में भी बन सकता है। साइंस में भी तो सौर मंडल के बारे में पढ़ सकते हैं ना, ये जरूरी नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्योग्राफी में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ऐसे तो ऑब्जेक्टिव नहीं दिए हैं, ठीक है, डायरेक्ट क्या किए, इसका आंसर लिख दिए हैं। तो 20 का आंसर क्या होगा, कौन दिए हैं ग्रह के नियम, कैपलर। कैपलर जो है ग्रह के गति का नियम दिए थे। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बात, याद रखिएगा। ठीक है, हो सकता है इस बार भी क्या कर सकते हैं, पूछ सकता है। ठीक है, इसको इसको याद ही कर लीजिए, अभी ही याद कर लीजिए, ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार देखिए याद हो जाएगा। ग्रह की गति का नियम दिए थे कैपलर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब सोच रहे हो सवाल सर आ गया, सवाल नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों को देना है। ठीक है, हम तो बहुत ज़्यादा सवाल करवा चुके हैं आप लोग को, ठीक है, लेकिन इसका आंसर आप लोग को भी देना है। अब से आप लोगों को एक सवाल एक्स्ट्रा दिया जाएगा, जिससे आप लोग क्या कीजिएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट लिख में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन होता है आप लोगों का, राय जानना, विचार बताना, ठीक है, वो सब होता है, लेकिन आप लोग जवाब नहीं देते हैं। लेकिन आज आप लोगों से हम लोग क्या कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, आप लोग कहीं से भी इसका आंसर ढूंढिए, लेकिन ढूंढ के कमेंट लिख में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है। बृहस्पति सूर्य का परिक्रमा कितने वर्षों में पूरा करता है। ठीक है, और सब सवाल आप लोग के सामने था, कितने दिनों में पूरा करता है, और ये कह रहा है कितने वर्ष में बृहस्पति सूर्य का परिक्रमा पूरा करता है। वर्ष में, दिन में नहीं, ये बात याद रखिएगा, वर्ष है यहाँ, दिन नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, कमेंट लिस्ट में ज़रूर बताइएगा, यानी तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट डे जो प्रिपरेशन करेंगे उसमें आप लोग को इसका आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, तो आप लोग को क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आप लोगों को किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो उसके लिए भी कमेंट लिस्ट में बताइए। और साथ में आप लोगों के लिए सीनियर ऑनलाइन स्टडी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, आप चाहिएगा तो डायरेक्ट हमारे एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं, या आप यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, दो सुविधा है, या आप लोग को किसी विशेष जानकारी देना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में जीमेल दिया गया है, सीनियर ऑनलाइन स्टडी, ठीक है, @gmail.com के नाम से है, तो आप लोग वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, जीमेल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को हर संभव रिप्लाई दिया जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे उसका सलूशन ज़रूर करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करेंगे सलूशन नहीं करेंगे। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं, तो कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा शेयर होगा ना उतना ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ेंगे, उतना जल्द से जल्द हम लोग क्या करेंगे सिलेबस कंप्लीट करेंगे। जितना ज़्यादा वीडियो का अच्छा रिस्पॉन्स आएगा उतना जल्दी हम लोग क्या करेंगे सिलेबस आप लोग का पूर्ण कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं।